पटना के रहने वाले एक नए युवा लेखक अपनी किताब वीरा की शपथ सड़कों पे घूम घूम कर बेच रहे हैं। सड़क पे किताब बेचने का काम उनके साथ उनकी पत्नी दीपिका भी कर रही हैं। उनकी पत्नी बताती है कि यही काम वो दिल्ली में कर रहे थे, जहां से प्रशासन ने उन्हें हटा दिया, लेकिन पटना आने पे जो प्यार और सम्मान उन्हें मिला वो उसे कभी नहीं भूल सकते। आइए जानते हैं पुस्तक के लेखक और उनकी पत्नी क्या कह रहे हैं। ये तो कई किताबों के स्टॉल आपने देखे होंगे और सड़कों पे भी किताब बेचते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन पहली बार इस तरीके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक युवा लेखक हैं जो अपनी पत्नी के साथ पटना के अलग अलग सड़कों पर जाते हैं, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं और उनकी किताब है वीरा की शपथ, इसको लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हाथों में देखिए पैम्पलेट लिया हुआ है दोनों ने, हस्बैंड वाइफ है दोनों। मैं नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए, और उनकी वाइफ भी सेम पोस्टर ली हुई है, नए लेखक को पटना से सपोर्ट चाहिए। खुद इनसे बात करते हैं कि आखिर ये वीरा की शपथ का क्या राज है, क्या कहानी है। वीरा की शपथ सर एक क्लासिक फिक्शन बुक सीरीज़ है जो 5 तारीख को लॉन्च हुई थी, और तब से ही हम लोग सड़कों पर जा जा कर इसको प्रमोट कर रहे हैं। जी, क्यों, कैसे शुरू किया इसको? सर इसकी तो बड़ी लंबी और बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। बहुत लंबा फेल्योर झेलने के बाद जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, तो उस समय मुझे फील होता था कि मैं अपने शहर का नाम, देश का नाम बड़ा करना चाहता था, यही करने गया था, और मैं वो कुछ कर नहीं पाया था। तो मेरा दिल माना नहीं कि तू हार नहीं सकता। तो सडन तैयारी करते करते बीच में ऐसा मोमेंट आया कि मेरी कलम से कहानियाँ बहने लगी, गीत, गज़ल, शायरी, दोहे, पोएट्री, चौपाई, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता था पिछले दिन का लिखा हुआ कि अच्छा ये मैंने लिखा है। हर दूसरे दिन मेरी कलम एक नई ऊंचाइयों को छूने लगी। कभी मैं 10 लिखता था, किसी किसी दिन मैंने 30 लिखे, कभी एक लिखा, मैं सडन सब होने लगा। तो फिर मुझे लगा नहीं चलो एक किताब लिख लेता हूँ, फिर लगा नहीं लिखते लिखते कि अब 2 किताब बनेगी, फिर लगा नहीं कुछ बड़ा क्रिएट हो रहा है, अपना ट्रायलॉजी बनेगी। फिर जब मैं इसके सीन्स पे वर्क किया, सोचा, इमेजिनेशन में जाके काफ़ी वर्कआउट किया इस पर, तो लगा नहीं अब तो कुछ बहुत ही बड़ा क्रिएट करते हैं, अब ये 10-12 किताब बनेगी। तो सर उसी सीरीज़ की पहली किताब है ये, इस तरह से सर लिखनी शुरू हुई। क्या मैसेज देंगे लोगों को इस किताब के जरिए? इस किताब के जरिए मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सफ़र की राहों में देर हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हार गए हैं। अगर आप समाज की लीक से हटकर चलते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अगर आप प्यार पर यकीन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते चलना है। उनकी पत्नी भी हमसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी सड़कों पे खड़े होकर उनका दिन भर सपोर्ट करती हैं। क्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको इससे? जब हम दिल्ली से यहाँ आए थे, दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, प्रशासन ने हमें वहाँ से हटा दिया था, तो हम यहाँ से कुछ युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने कहा था कि भैया आप अपने शहर आइए, आपको सपोर्ट मिलेगा। हम आ तो गए थे असमंजस में कि क्या करें, कैसा सपोर्ट होगा, नहीं होगा, रिस्पांस मिलेगा, लेकिन लिटरली यहाँ आए तो शुरुआत में पहले दिन ही हमने 60 किताबें बेच दी थी, हम बाजार समिति पर गए थे, और अब तो युवाओं का, मीडिया का इतना साथ है, लग रहा है कि पूरा बिहार मेरा परिवार बन के हमारे साथ खड़ा है। हर कोई आता है, भैया हार नहीं माननी है, भैया खड़े रहना है, हमारी आवाज़ बननी है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लिटरली अब बाहर से, ये पटना के बाहर से इतने सारे मैसेजेस आते हैं, गया से, अररिया से, बिहार शरीफ से, कि आप यहाँ आए, आपको यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। लिटरली मतलब जो बाहर दिखाया जाता है ना मूवीज़ में कि बिहार की जो इमेज बनाई गई है, उससे बिहार की इमेज बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, जुझारू हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, दिल बड़ा है लोगों का, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है लोगों से। मैं लिटरली अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और जिस तरीके से ये पटना के रहने वाले हैं, लेखक है, किताब लिख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने खुद तैयार किया, और आज काफ़ी संख्या में इनकी पुस्तकें जो है वो बिक रही है। खुद पटना के विभिन्न अलग अलग सड़कों पर जाते हैं, चौक चौराहों पर जाते हैं, वहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं और किताब को बेच रहे हैं, और इनके किताब के जरिए भी लोगों को यही संदेश है कि लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। असफलता थोड़ी ज़रूर मिलेगी, लेकिन हार नहीं मानिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कैनोरा न्यूज 22 को पटना।